जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान, भाग 3, कक्षा 8 का आज तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आधुनिक राजस्थान का निर्माण इस वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इस वाली क्लास में किस प्रकार से राजस्थान का निर्माण हुआ है, जो वर्तमान राजस्थान अपन देख रहे हैं, वो किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, वो इस वाली क्लास में अपन देखेंगे। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। शुरू से ही राजस्थान इस प्रकार से नहीं था, इसमें कई देसी रियासतें और रजवाड़ों में राजस्थान बटा हुआ था। इन सब का विलय करके ये वर्तमान वाला अपना राजस्थान बना है। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के एकीकरण की जो सर्वप्रथम जो शुरुआत है वो किनके आदेश के अनुसार हुई, आरंभ हुई है, तो बताएंगे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1939 में इनके आदेश से यह आरंभ हो जाती है। फिर अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया गया कि जिन रियासत व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है और उनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में विलय मिला दिया जाए, विलय कर दिया जाए। यद्यपि ये कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल जो आंदोलन चले थे, प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया, एकीकरण की जो प्रक्रिया, उसको आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया है। 22 मई 1946 को एक ज्ञापन आया है जिसमें ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है। एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1946 को हमारा देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया गया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार, रियासती विभाग, अब एकीकरण का काम कौन देख रहे थे, रियासती विभाग देख रहे थे। इस रियासती विभाग की स्थापना कब होती है, तो स्थापना हुई है 5 जुलाई 1947 को हुई है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन इस रियासती विभाग के सचिव थे। तो ये तारीख भी पूछते हैं, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई है। तो रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ वार्षिक, जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। अब रियासत विभाग ने एक मापदंड जारी किया गया कि वही रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिनकी 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए, सालाना आय होनी चाहिए 1 करोड़ कम से कम, और वहां की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए, इससे अधिक हो या इसके बराबर हो। इस मापदंड को जो पूरा करेगी वो रियासत ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासत ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो प्रश्न आ जाए कि रियासत विभाग के अनुसार निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाली राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें थी, तो
तो बताएंगे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये चार रियासतें इस मापदंड को पूरा कर रही थी, यानी ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। किंतु इन रियासतों की जो जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी, यहाँ की जनता चाह रही थी कि हमारा इस हमारी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहे और हम एकीकृत राजस्थान में शामिल हो। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था, यहाँ की जो जनता है उनका नेतृत्व प्रजामंडल के द्वारा किया जा रहा था कि यहाँ के जो भी निर्णय वगैरह लिया जाएगा रियासत के बारे में, अकेला राजा यहाँ के रियासत के बारे में निर्णय नहीं लेगा, यहाँ की जो जनता है वो जनता निर्णय लेगी, और जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? प्रजामंडल। देशी रियासतों में कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया, कई सारे ऐसे शासक भी हुए जो इस विलय पत्र यानी भारत में विलय के लिए और एकीकरण में शामिल होने के लिए समर्थन में थे, राजी थे। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान देखते हैं, एकीकरण से पूर्व राजस्थान को देख के अपन किस प्रकार राजस्थान बटा हुआ था, कितनी रियासतें थी और कैसे एकीकरण की शुरुआत राजस्थान में हो रही है। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, सापरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़। इस प्रकार से राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? कुशलगढ़, लावा और निमराणा 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ये एकीकरण से पहले राजस्थान की राजनीतिक स्थिति थी। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक भीम सिंह ने किया था। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में एकीकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया? तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद मेवाड़ के महाराणा जो भोपाल सिंह जी थे, उन्होंने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया गया। इसी तरह अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। महाराणा भोपाल सिंह जी ने भी बुलाया उदयपुर में सबको भी, अपने एक संघ बनाए, लेकिन महाराणा जी का कुछ निजी हित था इसमें कि वो यहाँ के जो सर्व सर्वा वो खुद बनना चाह रहे थे। जैसे कोटा वाले शासक तो कोटा का शासक सर्व सर्वा वो बनना चाह रहा था, जयपुर वाले वो सर्व सर्वा बनना चाह रहा था, इसलिए ये जो प्रयास है वो सफल नहीं हो सके। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं व संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे हैं। जो भी संस्थाएं वगैरह थी जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी वो भी इस एकीकरण में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास, राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयासों संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। लगभग सभी रियासतों में वहाँ राज्य प्रजा परिषद बनी हुई थी, प्रजामंडल थे, वह भी प्रयास कर रहे थे कि अपनी जो रियासत है वो राजस्थान का हिस्सा बने, भारत का हिस्सा बने। अब एकीकरण के चरण की बात करें, एकीकरण के चरण, राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। इतनी सारी रियासतें, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो इन सबको मिलाकर के अब एक करना है, तो यह प्रक्रिया एक जटिल और चुनौतीपूर्ण थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतें ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। अब अलग अलग रियासतें थी, काफी पुराने समय से चलती आ रही थी,
अब उन सबको मिला करके एक प्रशासनिक व्यवस्था में लाना कठिन काम हो रहा था। किस प्रकार से आते हैं देखते हैं। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं थी। मेवाड़ का कल्चर अलग था, जयपुर का कल्चर अलग था, हाड़ौती क्षेत्र का कल्चर अलग था। सबकी अलग अलग जनसंख्या थी, रीति रिवाज थे, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य का प्रचलन हो गए थे। कुछ रियासतों में तो अभी भी जो पुराने समय से जो रीति रिवाज चल रहे थे वही चल रहे थे, तो कुछ में चेंज हो भी गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि कार्य भी चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान को अपने आधुनिक स्वरूप में आया। ठीक है, तो जो वर्तमान अपन राजस्थान देख रहे हैं, ये वर्तमान राजस्थान कितने चरणों में बना है, तो 7 चरणों में बन करके कंप्लीट हुआ है। 1 नवंबर 1956 को ये बन करके कंप्लीट हुआ। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम इस प्रकार से सरलता रूप से देखते हैं। 7 चरणों जो अलग अलग नाम दे रखा है और अलग अलग तिथि को उसका गठन हो रहा है। तो पहला चरण देखते हैं, फर्स्ट चरण का नाम है मत्स्य संघ। राजस्थान के पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ और इसका गठन कब किया गया, तो 17 या 18 मार्च 1958 को। वैसे कुछ गाइडों में 17 मार्च आता है, कुछ में 18 मार्च आता है, तो अपन दोनों याद रखेंगे, दोनों में से एक ही तारीख आएगी, या तो 17 मार्च देगा या 18 मार्च देगा। रियलिटी में यह है कि वैसे उद्घाटन की तिथि 17 मार्च को रखी गई थी, लेकिन किसी कारण वजह से उद्घाटन 17 मार्च को न होकर के 18 मार्च को हुआ है। तो कागजों में जो तिथि इसको उद्घाटन को लेकर के निर्धारित कर रखी थी वो 17 मार्च है, जबकि वास्तव में उद्घाटन 18 मार्च को होता है। तो 17 मार्च या 18 मार्च 1958 को इसमें 4 रियासतें मिलाई गई है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। ये देर का अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। इनके साथ में एक निमराना ठिकाना भी याद रखोगे ना, निमराना ठिकाना भी विलय किया गया है। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई। मत्स्य संघ की राजधानी किससे बनाई गई, अलवर को। धौलपुर के महाराजा उदय बान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और शोभाराम कुमावत जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के एकीकरण में पहला चरण देखा अपन ने मत्स्य संघ, उद्घाटन कब किया जा रहा है, इसका गठन कब किया जा रहा है, 17-18 मार्च 1958 को। 4 रियासतें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, साथ में निमराना ठिकाना है और राजधानी किसको बनाई है, अलवर को। राज प्रमुख किसको बनाया, तो धौलपुर के महाराजा उदय बान सिंह को और प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया। आगे देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, इसका उद्घाटन 25 मार्च 1958 को हो रहा है। इसमें 9 रियासतों का विलय किया गया, 9 रियासतें मिलाई गई है। कौन कौन सी 9 रियासतें, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सापरा, किशनगढ़ व सापरा रियासत को मिलाया गया था। यानी 9 रियासतें इसमें मिलाई गई है और साथ में कुशलगढ़ और लावा ठिकाना, कुशलगढ़ और लावा ठिकाना का विलय भी अपने दूसरे चरण में हो जाता है। वो जो निमराना ठिकाना था वो अलवर रियासत में था और कुशलगढ़ ठिकाना ये बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा रियासत में, और लावा ये जयपुर रियासत में था, वर्तमान में ये टोंक जिले में, पहले ये जयपुर रियासत का भाग था। कोटा को दूसरे चरण की राजधानी बनाई गई।
और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। गोकुल लाल असावा को राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। इस प्रकार से ये दूसरा चरण भी अपना हो जाता है संपन्न गठन। तीसरा चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान और इसका गठन किया जा रहा है 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर और मेवाड़ का विलय कर दिया गया। जो पूर्व राजस्थान संघ था, पूर्व राजस्थान संघ जिसमें 9 रियासतें पहले थी, उस 9 रियासतों के साथ में एक रियासत का और विलय कर दिया जाता है और वो रियासत है मेवाड़ यानी उदयपुर। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया है और माणिक्य लाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया है। तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इससे ऊपर वाले जो दो चरण हैं, उनका उद्घाटन NV गॉडगिल ने किया है। NV गॉडगिल ने पहले चरण का उद्घाटन भी NV गॉडगिल ने किया था और दूसरे चरण का उद्घाटन भी NV गॉडगिल ने किया है। और एक और याद रखना, मत्स्य संघ का जो नामकरण है ये KM मुंशी के सुझाव पर दिया गया। KM मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। आगे चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण का नाम है वृहत राजस्थान। इसका गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। इस दिन राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतों का विलय हुआ है। इसी दिन को याद रखते हुए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मना रहे हैं। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वृहत राजस्थान में क्या होता है? जो संयुक्त राजस्थान था जिसमें 10 रियासतें हो गई थी, 9 पहले और एक मेवाड़ का विलय हो गया, उसके अंदर 4 रियासतें और मिलाई जा रही है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इन 4 रियासतों का विलय किया गया है। राजस्थान की स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को क्यों मनाया गया? इस दिन को याद रखने के लिए कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान में हो रहा है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय को यहाँ के राज प्रमुख बनाए गए, वृहत राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। और यहाँ पर एक नया पद और शुरू कर दिया जाता है, महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख किससे बनाया गया है? तो महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था। तीसरे चरण का उद्घाटन तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और चौथा जो चरण है वृहत राजस्थान, उसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो कितनी रियासतें मिल गई? शुरू में 9 थी, 9 के साथ में मेवाड़ और मेवाड़ के साथ में 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें और मिल गई, यानी टोटल 14 रियासतों का राजस्थान में विलय हो जाता है। आगे देखते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण में क्या होता है? संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 को, और इसमें वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का और निमराणा ठिकाने सहित विलय कर दिया गया। तो शुरू में अपन ने निमराणा ठिकाना देखा था, तो वहां आप न देख करके यहां पर देखा जाए, निमराणा ठिकाने का विलय पांचवें चरण में हुआ। अब हुआ क्या कि जो चौथा चरण है वृहत राजस्थान और पहला चरण था मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ का गठन कर दिया गया, तो इस मत्स्य संघ का पहले चरण में अभी राजस्थान में नहीं मिलाया गया, एक संघ बना करके छोड़ दिया गया है कि यहाँ की जनता को अपन पूछेंगे कि यहाँ की जनता यदि राजस्थान में मिलना चाहती है तो राजस्थान में मिला देंगे, यहाँ की जनता यदि उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में मिला देंगे, और यहाँ की जनता चाहेगी कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व, अलग ही राज्य रखना है तो अलग राज्य रखेंगे, मत्स्य संघ नाम से राज्य रखेंगे।
लेकिन 15 मई 1949 को जो वृहत राजस्थान में 14 रियासतें थी उनमें मत्स्य संघ का भी विलय कर दिया जाता है। तो अब प्रश्न आ जाए कि मत्स्य संघ का गठन कब किया गया, तो 18 मार्च 1948 को किया गया था। और प्रश्न आ जाए मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया, तो राजस्थान में विलय ये 15 मई 1949 को। और किस समिति के सिफारिश पर, तो शंकर राव देव समिति के सिफारिश पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये था पांचवा चरण। अब बात करते हैं छठा चरण। छठा चरण जिसका नाम है राजस्थान संघ, राजस्थान। ये छठे चरण का उद्घाटन किया जा रहा है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन अपना संविधान लागू किया गया, इस दिन अपना छठा जो चरण है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें सिरोही रियासत का विलय किया गया। सिरोही में भी देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़ करके, देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़ करके सिरोही का विलय किया जा रहा है। आबू और देलवाड़ा को इस समय किस में रख दिया गया है, गुजरात में रख दिया गया। देखो अपन मैप में देखते हैं, ये सिरोही जो रियासत है, ये सिरोही सिरोही तो किस में मिला दिया, राजस्थान में। और ये वाला क्षेत्र है आबू स्टेट, ये मुंबई प्रांत में यानी गुजरात में मिला दिया जाता है। उस टाइम पे इसको गुजरात में मिला दिया गया है छठे चरण में। लेकिन यहाँ की जनता ने विरोध किया और यहाँ सिरोही के अपने राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट ने प्रयास किया था आगे वाले चरण में वापस अपन राजस्थान में लेके आएंगे। अब है सातवां चरण, वर्तमान स्वरूप। वर्तमान जो राजस्थान है ये कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को। इस दौरान राजस्थान में किस किस का विलय किया गया, तो राजस्थान में आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा जो मुंबई प्रांत में था, गुजरात में था, उसको अपन राजस्थान में मिलाया गया, आबू और देलवाड़ा का। देखो सिरोही का विलय कब हुआ, तब तो छठा चरण बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। और माउंट आबू देलवाड़ा का विलय आ जाए, माउंट आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को। और इसके साथ में किस किस को मिलाया जा रहा है, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, इनका विलय भी राजस्थान में कर दिया जाता है। मंदसौर जो मध्य प्रदेश में था, मंदसौर के मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र, ये भी राजस्थान में मिला दिया गया। तो किस किस को मिलाया सातवें चरण में, माउंट आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से राजस्थान में लिया गया। और झालावाड़ का जो सिरोन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। झालावाड़ का सिरोन क्षेत्र, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया है, यानी यहां पर सिरोन क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया। यहां पर जो माउंट आबू देलवाड़ा था उनको राजस्थान में मिला दिया गया। और एक और किसको मिलाया था, ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, इनका विलय भी राजस्थान में कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन मैप में देखे, तो मैप में पूरा देख लेते हैं, शुरू में मत्स्य संघ बना था ये वाला, फिर बाद में राजस्थान संघ बना था, राजस्थान संघ, और फिर उसके बाद में संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का और विलय कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में बात करें तो जयपुर जोधपुर ये वाला क्षेत्र मिला दिया गया, पूरा पूरा का पूरा जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र मिलाया। फिर उसके बाद में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। और लास्ट में सुनेल टप्पा माउंट आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया, और झालावाड़ का सिरोन क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और इस 30 मार्च को और महत्व बढ़ाते हुए 30 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दिन से राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी। राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस दिन की गई थी, 30 मार्च 2012 को, याद रखना। चलो शब्दावली देखते हैं। एकीकरण, एकीकरण का क्या मतलब होता है,
जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था उनको एक करना। वृहत, वृहत का मतलब विशाल या बड़ा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, संयुक्त वृहत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। संयुक्त वृहत राजस्थान यानी पांचवें चरण की बात की जा रही है, तो पांचवें चरण में जोधपुर बिल्कुल था, जोधपुर तो चौथे चरण में हो गया था, तो पांचवें में आना ही था। कोटा था, कोटा का दूसरे चरण में हो गया था। किशनगढ़, इनका भी दूसरे चरण में विलय हो गया था। अजमेर, मेरवाड़ा, ये पांचवें चरण में नहीं था। अजमेर, मेरवाड़ा, ये सातवें चरण में विलय किया गया था। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, संयुक्त राजस्थान यानी चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, तो इसमें सॉरी तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948 की बात कर रहे हैं तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में मुख्यमंत्री थे, राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, और प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। गोकुलाल असावा जी, गोकुलाल जी असावा दूसरे चरण में प्रधानमंत्री थे। मान सिंह द्वितीय, ये चौथे चरण में राज प्रमुख थे। हीरालाल शास्त्री चौथे चरण में प्रधानमंत्री थे। एकीकरण की प्रक्रिया प्रयासों से आगे बढ़ी थी, किनके प्रयासों से आगे बढ़ी थी? तो लॉर्ड लीन लिथगो, और फिर एकीकरण जो है, ये जो एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पहले हो जाएगा लॉर्ड लीन लिथगो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए, तो कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने देखा राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण एकीकरण देखा था। अगली वाली क्लास में देखेंगे राजस्थान की जनसंख्या। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।